So now let's continue from page number 17. So in this what we have is, if we wish to display an, so if this is a PHP program and this is the array which we have. So let's say $cars equals to array, and these are my car, the manufacturers of cars. BMW, Tata and Maruti. Okay. So if I want to display this array, if I want to display this array, I have two functions. One is print underscore R. It will display the entire array. But it will display array along with its indexes, with its index. So BMW कौन से index पे है? 0. Tata कौन से index पे है? 1. और Maruti कौन से index पे है? 2. तो इसको हम save करते हैं अभी. तो save कहाँ करेंगे इसको? VAM में जाके. VAM www और फिर अपना wave2 है तुम लोग. तो यहां पर जाके एक टॉपिक बना देते हैं. ओके, एरे का, और फिर इधर लिख देते हैं डिस्प्ले एरे डॉट पीएचपी. नाउ इफ आई वांट टू रन दिस कोड, व्हाट यू कैन डू इज लोकल होस्ट and wave 3 array display. ये कौन सा था? Okay, wave two फिर array में display array नाम से. तो क्या आया? Array का content आया और with the indexes. और दूसरा जो फंक्शन है एरे डिस्प्ले करने के लिए वो है वैल डम. तभी मैं इसको तो कमेंट कर रहा हूं ताकि ऐड हो जाए. और दूसरा जो फंक्शन हम तुम्हारे पास है वैर अंडरस्कोर डम नाम. तो वैर अंडरस्कोर डम क्या करता है? वो एरे डिस्प्ले करता है बट अलोंग विद द इंडेक्स इट विल ऑल्सो डिस्प्ले द डेटा टाइप एंड देयर साइज. इंडेक्स ऑल्सो, डेटा टाइप ऑल्सो एंड साइज ऑल्सो. सो पहला BMW, इंडेक्स कौन सा है? 0. टाइप कौन सा है? स्ट्रिंग. साइज कितना है? 3 कैरेक्टर्स. इंडेक्स कितना है? 1. टाइप कौन सा है? स्ट्रिंग. और लेंथ कितना है? 4. तो मैंने अभी वो प्रिंट आर कमेंट कर दिया, वैल डम पे रखा है. नाउ इफ आई रिफ्रेश दिस एंड आई हिट एंटर, सी द डिफरेंस. इंडेक्स ऑल्सो, टाइप ऑल्सो and the length also. Clear? So this is the difference between printr and valdum. So till here we had discussed in the previous session. So we had come till 5.17. Now let's progress ahead. Okay. कोई भी string का length निकालना है तो उसके लिए function है strlen. Function क्या है? strlen. तो ये hello है. अब hello एक string हो गया. उसका लेंथ कितना है? तो हेलो लेंथ का स्ट्रिंग कितना है? हेलो जो स्ट्रिंग है उसका लेंथ कितना है? 5 है. तो इफ यू विश टू कैलकुलेट द लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग, तो आई एम कमेंटिंग ऑल दिस एंड नाउ आई एम टेकिंग डॉलर नेम इक्वल्स टू एलिस. अब मुझे ये स्ट्रिंग का लेंथ निकालना है तो उसके लिए फंक्शन है strlen. फंक्शन क्या है? किसका? डॉलर नेम का. तो वो चला जाएगा डॉलर लेंथ वेरिएबल में. नाउ इफ आई इको डॉलर लेंथ, इफ आई इको डॉलर लेंथ इट शुड इको मी 5.
5, क्योंकि एलिस का लेंथ 5 है, तो ऐसा है, तो इसका आउटपुट आएगा 5 आया। ओके, अब 5 आ गया ना, तो ये एलिस जो स्ट्रिंग है ना, स्ट्रिंग इज एरे ऑफ कैरेक्टर्स। व्हाट इज स्ट्रिंग? जैसे ये एक एरे है ना, वैसे स्ट्रिंग भी एक एरे है। तो एलिस जो है वो जीरो इंडेक्स पे कौन है? एलिस अगर एक एरे है तो जीरो इंडेक्स पे कौन है? ए, टू, थ्री और फोर है ना। तो ऐसे हम लोग चेक कर सकते हैं कि इस स्ट्रिंग में वावल, इस स्ट्रिंग में जो है एलिस स्ट्रिंग के अंदर आई वांट टू चेक कि ओके, इफ यू विश टू चेक नंबर ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस, इफ यू विश टू चेक नंबर ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस, ठीक है। अभी एलिस इन वंडरलैंड ये पूरा एक स्ट्रिंग हो गया ना, तो इसको मैं सेव करूंगा और रिफ्रेश करेंगे तो इसमें कितने कैरेक्टर्स है, क्या हो गया इसको। ओके सही तो है, डॉलर नेम इको डॉलर लेंथ, व्हाट इज द प्रॉब्लम? ओके ये टाइम पास हो गया, ऊपर टाइम पास हो गया उसके से वाला। ओके तो एलिस इन वंडरलैंड में कितने कैरेक्टर्स है, क्या बोल रहा है, इन वैम एरे डिस्प्ले लाइन 10 पे क्या हो गया लाइन नंबर 10 पे एलिस इन वंडरलैंड, ये एक स्ट्रिंग हो गई जो डॉलर नेम के अंदर आ गई। आई सेव्ड इट, आई रिफ्रेश दिस, 19 कैरेक्टर्स, सिंपल। अभी मुझे इसमें काउंट करना है कि वर्ड्स कितने हैं, तो एलिस इन वंडरलैंड में वर्ड्स कितने हैं, तो मैं क्या काउंट करूंगा उसमें, स्पेस। तो क्या करूंगा, पहले मैं लेंथ निकाल लिया मैंने, फिर लेंथ निकाल के फॉर लूप लगाएंगे। तो फॉर लूप में डॉलर आई विल स्टार्ट फ्रॉम विच इंडेक्स एंड डॉलर आई विल बी लेस देन एंड डॉलर आई प्लस प्लस एंड नाउ व्हाट विल आई डू इफ, क्या ये एक एरे हो गया ना, ये एक एरे ऑफ कैरेक्टर्स है, तो क्या करेंगे हम, इफ डॉलर नेम के कौन से इंडेक्स पे क्या मिल जाता है मुझे, स्पेस, तो क्या करूंगा मैं, एंड आई विल इनिशियलाइज डॉलर काउंट टू जीरो, इनिशियलाइज डॉलर काउंट टू जीरो and once the for loop is over I will display the count. तो Alice in Wonderland में कितने space हो गए, 2, तो words कितने होंगे, 3, क्योंकि और तो whenever you display the count increment it and then display it, okay? So now this should output me 3, this should output me 3, आया? तो ऐसे हम लोग स्ट्रिंग को भी एक एरे कन्वर्ट करके उस पर ऑपरेशन रन कर सकते हैं, क्लियर। तो ये था वो strlen जो यहां पर था, तो ये strlen, तो यहां देखो स्ट्रिंग कौन सी है, हेलो, तो क्या निकाला, स्ट्रिंग लेंथ ऑफ str, तो हेलो, और एक एक कैरेक्टर डिस्प्ले कर रहे हैं तो वो पूरा का पूरा हेलो डिस्प्ले करेगा। ओके फिर क्या है नेक्स्ट, क्या है, क्लीनिंग अ स्ट्रिंग। ओके क्लीनिंग अ स्ट्रिंग में क्या होता है, क्लीनिंग अ स्ट्रिंग में क्या होता है कि ओके सी ओवर हियर व्हाट इज क्लीनिंग अ स्ट्रिंग, डॉलर कॉलेज। तो इफ यू सी मैंने नेसवाडिया लिखते वक्त, ओके लेट्स गिव वन नेम ताकि तुमको कंफ्यूजन ना हो, गरवारे, इज देयर एनी स्पेस इन द स्टार्टिंग, तो अगर आपको वो स्पेस निकालना है तो उसके लिए फंक्शन है एल ट्रिम, क्या फंक्शन है,
So we'll remove all the spaces at the starting of the string. We'll remove all the spaces at the starting. So now if you echo this, तो आउटपुट क्या आएगा? ये स्पेस निकल जाएगी स्टार्ट की, तो आउटपुट ऐसा आएगा. समझा? ओके. और अगर मेरे एंड में स्पेसेस है, अगर मेरे एंड में स्पेसेस है, देखो जैसे इधर है ना, ये जितने भी फ्री स्पेसेस है एंड में, स्ट्रिंग के एंड में, मुझे वो कट करना है तो आल ट्रिम. तो अगर लेफ्ट के स्पेसेस कट करना है तो लेफ्ट ट्रिम, एंड के करना है तो आल ट्रिम. और अगर दोनों भी करना है, दोनों एंड के, कि लेफ्ट में भी स्पेस है और राइट में भी स्पेस है, तो उसके लिए फंक्शन है ट्रिम. फंक्शन क्या है? ट्रिम. तो ये क्या करेगा, तो तीनों टाइम पे आउटपुट क्या आएगा? गरवारे गरवारे गरवारे. तो लेफ्ट के स्पेस भी निकल जाएंगे यहां पर, राइट के भी निकल जाएंगे यहां पर, लेफ्ट और राइट दोनों निकल जाएंगे. तो यू सेव इट. And now if you run this, you will get it garware 3 times. समझ में आया? देखो कोई भी स्पेस नहीं, कोई स्पेस दिख रहा है? दोनों दिख रहा है कोई स्पेसेस? तो ये है एल ट्रिम क्लीनिंग अ स्ट्रिंग, जितने भी. तो ये है ट्रिम, एल ट्रिम और आर ट्रिम. ओके. ओके. अगर आपको स्ट्रिंग का केस चेंज करना है, तो अगर आपको एक स्ट्रिंग को लोअर केस में कन्वर्ट करना है, कौन सा फंक्शन है उसके लिए? str to lower. और अगर आपको किसी स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट करना है, तो क्या फंक्शन है? str to upper. और अगर आपको जो है सिर्फ फर्स्ट कैरेक्टर को कैपिटल करना है, बाकी सब स्मॉल करना है. ओके, सी आई विल गिव यू द एग्जांपल. So if I have a string, let's say if I have a string, तो ये मेरी स्ट्रिंग है, ठीक है. अब मुझे इसको कन्वर्ट करना है अपर केस में, क्या करूंगा मैं? str to upper, कौन सी स्ट्रिंग? तो इसका आउटपुट क्या आएगा? महेंद्र सिंह धोनी इन कैपिटल लेटर्स, इन तो ये हो गया टू अपर. ओके. इफ आई जस्ट वॉन्ट द एम टू बी कैपिटल, इफ आई जस्ट वॉन्ट द एम टू बी कैपिटल, तो उसके लिए फंक्शन कौन सा है? यू सी फर्स्ट. ऑपरेट्स ओनली ऑन फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ द स्ट्रिंग. तो यू सी फर्स्ट क्या फंक्शन है? तो यू सी फर्स्ट अगर करूंगा मैं, यू सी फर्स्ट, तो इसका सिर्फ क्या करेगा? ये सिर्फ एम को कैपिटल करेगा, सिर्फ एम को कैपिटल करेगा और बाकी सब स्मॉल. और अगर आपको रखना है एम कैपिटल, एस कैपिटल, डी कैपिटल, फर्स्ट वर्ड ऑफ ईच लेटर कैपिटल, तो यू सी वर्ड्स क्या है? यू सी वर्ड्स. तो यू सी वर्ड्स क्या करेगा फिर? अभी यू सी फर्स्ट और यू सी वर्ड्स, तो इसका आउटपुट क्या आएगा? एम कैपिटल, एस कैपिटल और डी कैपिटल. सो देख लो, तो पहले इसमें आउटपुट आएगा all the entire string capital, because मैंने use किया है to upper, फिर UC first में सिर्फ first letter capital और UC words में first letter of each word capital. I should have given a br after everything, ताकि आपको वो, तो ये मैं br concat कर रहा हूँ. ये क्या कर रहा हूँ मैं? br concat कर रहा हूँ सबके साथ में, ताकि वो डिस्प्ले सही से हो. देखो महेंद्र सिंह धोनी कैपिटल में सिर्फ एम कैपिटल, एम कैपिटल, एस कैपिटल, डी कैपिटल. तो ये था वो स्ट्रिंग टू
एनकोडिंग एंड एस्केपिंग ये थोड़ा सा स्किप करो, उसको बाद में हम कवर करेंगे एनकोडिंग और एस्केपिंग को। ओके, फिर हमारे पास स्ट्रिंग के कंपैरिजन के लिए दो ऑपरेटर्स हैं। स्ट्रिंग के कंपैरिजन के लिए दो स्ट्रिंग कंपेयर करना है अगर हमको, तो अगर मुझे दो स्ट्रिंग कंपेयर करना है नेम वन, ओके या जस्ट कीप इट सिंपल, एन वन में है वन और एन टू में है वन, ठीक है। तो वी हैव टू ऑपरेटर्स, एक है डबल इक्वल टू और एक है ट्रिपल इक्वल टू। डबल इक्वल टू विल चेक ओनली द टाइप, विल चेक ओनली द कंटेंट, विल चेक ओनली द कंटेंट। तो यहां पर भी कंटेंट वन है, यहां पर भी कंटेंट वन है, दोनों कंटेंट सेम है, तो यू विल रिटर्न ट्रू, विल रिटर्न ट्रू, विल रिटर्न ट्रू इफ कंटेंट इज सेम। तो वो सिर्फ कंटेंट चेक करेगा, ये क्या करेगा, विल रिटर्न ट्रू इफ कंटेंट एंड डेटा टाइप इज सेम, कंटेंट प्लस व्हाट, डेटा टाइप। तो यहां पर देखो इसका डेटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग, इसका क्या है इंटीजर, तो कंटेंट सेम है पर टाइप सेम नहीं है, तो ट्रिपल इक्वल टू में दोनों सेम चाहिए, तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। तो ये क्या करेगा, बोथ आर सेम, तो अगर n1 n2 क्या करेगा, बोथ आर सेम, पर यहां पर बोथ आर सेम डिस्प्ले नहीं होगा क्योंकि इसका फॉल्स है। सो इन सिंगल इक्वल टू वी जस्ट चेक द कंटेंट, कंटेंट ऑफ बोथ द वेरिएबल इज सेम, तो आउटपुट विल कम ट्रू, तो इसका आउटपुट ट्रू हो जाएगा, और अगर इफ ट्रू होता है तो इफ के ब्रैकेट में जाता है तो आउटपुट आएगा बोथ आर सेम। और यहां पर कंटेंट सेम है पर डेटा टाइप सेम नहीं है, तो इधर आउटपुट आएगा फॉल्स, तो अगर फॉल्स है तो ये इस इफ में नहीं जाएगा। तो ए ए ए ए तो डिस्प्ले होगा पर बी 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 डिस्प्ले नहीं होगा, तो दिस प्रोग्राम विल डिस्प्ले द ए ए ए ए बट विल नॉट डिस्प्ले द बी 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 बी, लेट मी पुट अ बी आर एट द स्टार्ट सो दैट इफ इट डिस्प्ले, इट डिस्प्ले द न्यू लाइन। सो लेट्स चेक इट, रिमूव दिस वरना वो एरर थ्रो करेगा, एंड आई सेव एंड आई रिफ्रेश। क्या हो गया, लाइन 45, लाइन 45 पे क्या एरर आ गया है, ओके सेमी कोलन मिस हो गया, उसका सेमी कोलन मिसिंग है, तो एंटर। क्या बोला अभी, लाइन 50 पे एरर आ गया है, लाइन 50 पे क्या एरर आ गया है, सेमी कोलन यहाँ मिसिंग है, यहाँ भी मिसिंग है। सेव रन, तो क्या बोल रहा है, लाइन नंबर 41 पे, ओके एन वन शुड, डॉलर नहीं दिया क्या मैंने, डॉलर एन वन तो दिया है डॉलर, ओके यहाँ पर कंपेयर करते हो डॉलर साइन नहीं दिया, सब सिली मिस्टेक्स है, प्रैक्टिस से विल बी सॉर्टेड। तो एरर आना कोई बड़ी बात नहीं है, एरर देख के आप, तो ए ए ए डिस्प्ले हुआ पर बी 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 डिस्प्ले नहीं हुआ, और अगर मैं इसको भी डबल कोट्स में डाल दूं तो दोनों भी डिस्प्ले होगा, विल डिस्प्ले ए ए आल्सो और बी बी आल्सो, बिकॉज यहाँ पर कंटेंट तो सेम है ही, यहाँ पर कंटेंट भी सेम है और टाइप भी सेम है, तो आउटपुट आएगा दोनों का। तो आई सेव इट एंड आई रिफ्रेश इट, आया, तो ये था वो डबल इक्वल टू और ट्रिपल इक्वल टू। ओके लेट्स टेक द नेक्स्ट पेज, तो ये देखो इधर 5 और 5 किया है उसने, लॉजिक लगाया है, ओके
देन वी हैव स्ट्रिंग कंपेयर एंड स्ट्रिंग केस कंपेयर. ओके, इफ बोथ द स्ट्रिंग आर सेम इट विल रिटर्न जीरो. इट विल रिटर्न. ओके, स्ट्रिंग कंपेयर फंक्शन क्या होता है? स्ट्रिंग कंपेयर फंक्शन, समझो एक स्ट्रिंग है नेम वन, उसके अंदर मैंने डाल दिया एलिस, और एक स्ट्रिंग है नेम टू, उसमें डाल दिया मैंने एलिस. नाउ आर दीज टू स्ट्रिंग सेम? हाउ डू आई चेक दैट? तो फॉर दैट आई हैव अ फंक्शन कॉल्ड एज strcmp and I will compare both the string name 1 and name 2. If both the string are same, it will return a 0. It will return a 0. So how do I know if both are same? I will check the value of n. So if n is equal to 0, means what to echo? Both strings are same. Else what to echo? Else what to echo? Both strings are not same. So in this case, as both the strings are same, okay, it will return you. And okay, we have both this, we have case sensitive and we have case insensitive. Now this is the, it is case sensitive, both the strings are case, also is same. So if I run this code, it should show me both strings are same. Okay, now if I change the case, if I change the case of this Alice to capital, now it will say not same, because it is comparing. See, it is not same, it is comparing with the case. So if you wish to ignore the case, then you have str case compare, str case compare. So what you can do is, if you want to ignore the case, you can use str case compare. So this case compare will ignore the cases. So small and capital will both be converted to small before comparing. So this Alice will be converted to Alice, and this Alice also will be converted to Alice, and then it will be compared. So in this will be done internally. This the PHP will do internally. So in this, output will be both string are same. Both string are same. So I go here and I refresh. So both strings are same. So you have these two functions, compare and string case compare. Okay. Now if you wish to compare the sound, see, there are few words in the English dictionary the sound of those words are same. For example, dollar A is C. C is that you see something. And dollar B is C, seaside. Okay, then we say, oh, see you later. Or see you in college. That is this C. And this is your C. So now these two strings, if I use compare, will return me both string are not same. So if I do compare, even if I am doing the case comparison, it will return me both string are not same. So first will, this is for the first part. Okay, so let me comment this part. Okay, so this should not be any confusion. So I'll comment this part. This is how you comment in. So now if I output run this, it will tell me both the string are not same. Both the string are not same, because C and C are not same, but they sound same. The sound of both is same. So if you want to compare the sounds,
then we can use soundex function. Which function? Soundex. So what we can do is we can compare the sounds. So what we can do over here is I am comparing if soundex of A is equal to soundex of B. Both the string, they sound the same. So if, so we can use this. So if soundex of A and sound of B are same, both string, what you will say? Sound same, and both string don't sound same. So what will be the output for this? C and C, they sound the same. So output is both the strings sound the same. So see over here, both the strings sound the same. So and do apple and banana sound the same? Okay, you have soundex and you have metaphone. You have two functions of the same nature. So one is your soundex, and metaphone also does the same thing. Metaphone also does the same thing for you. So you can use metaphone. Both are same. So if I use metaphone over here, metaphone of A and metaphone of B. So what will it say? Both the strings sound the same. See, sound same. Okay, if I change the second string, okay, and do apple and banana sound the same? No. So it will say both strings don't sound the same. Clear? So this is your comparing the sounds. And now we have these string manipulation functions. This we will do. So we have how many of them? There are many of them. So it would not be possible to cover in today's session. So for this, we'll take session tomorrow and try to finish this chapter tomorrow. Okay. So now we have come from till which we have done. Okay, so we were here. So today we have done 23 and 24. Till 24 we have done today. Okay. See you guys tomorrow, and we'll continue with this chapter tomorrow.